हम इस वक्त मौजूद हैं दौसा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं विधायक मुरारीलाल मीणा। इनसे सीधी बात करेंगे सर, पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा और अब धन्यवाद यात्रा, किस तरीके देखते हैं? देखो, जनता के लगातार संपर्क में रहना, जनता की लगातार भावना से अवगत रहना, उनकी समस्याओं को सुनना, यही प्रजातंत्र का मूल मंत्र है। हम चुनाव जीते जनता के सहयोग से, मेरी ओर से जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जनता का धन्यवाद यात्रा जो निकाल रहे हैं, इसमें हम जनता का आभार व्यक्त भी कर रहे हैं, प्रत्येक गांव में जाकर के, प्रत्येक ढाणी में जाकर के, और साथ साथ में उनकी जो मूलभूत समस्याएं उनको उनसे हम अवगत भी हो रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम पर उन मूलभूत जो समस्याएं उनका हम समाधान कर सके। इस बात को लेकर के हम धन्यवाद यात्रा पूरे विधानसभा क्षेत्र में निकाल रहे हैं। क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि अब विपक्ष में अहम भूमिका निभाने वाली है कांग्रेस? सबसे पहले तो मेरी डिमांड है आपके माध्यम से, अब जो ERCP पूरी राजस्थान की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, राष्ट्रीय योजना, उसको घोषित सरकार तुरंत करे। हमारे पूरी राजस्थान के इस बार मुख्यमंत्री भी बन गए, हमें पूरी उम्मीद है कि शीघ्र इसको राष्ट्रीय योजना घोषित हो जाएगी। इसके अलावा जो जो भी हमारे दौसा में जो पानी का हमारा प्रोजेक्ट है जो रेगुलर चल रहा है, उसको भी हम चाहते हैं कि वो और स्पीड पकड़े और तेजी से पूरा हो। बहुत से हमारे अधूरे कार्य हैं जो चल रहे हैं, उन सब कामों को शीघ्र हम पूरा कराने की कोशिश करेंगे। चुनाव के बाद में BJP ने एक नया दाव खेला है, नया CA और 2 DC फॉर्मूले पे काम कर रही है, किस तरीके देखते हैं आप? ऐसा वो उनका अंदरूनी मामला है, उन्होंने क्या फैसला करें, किसको DC बनाया, दो बनाए, एक बनाए, हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमको ये है कि जो हमारी सरकार की जनकल्याणकारी योजना है, जो हमारे विकास की कार्य हैं, उनको सरकार रेगुलर रखे और ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। क्या लगता है, CM अशोक गहलोत भी कई बार कह चुके हैं कि जो योजना है उनको सुचारू रूप से चालू रखना चाहिए, तो कारण क्या है, सीटें कम क्यों आई, फिर इतनी योजना लेके आई थी? ऐसा हमने पहले भी बोला था, सीट कम आना ये कोई मान नहीं रखता, योजनाओं से लिंक नहीं है। BJP धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोटों का पोलराइजेशन करने में सफल रही, इसलिए हमारी सीट कम आई। लेकिन और क्या रीजन मानते हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर ये लड़ाई नहीं होती पायलट गहलोत की तो शायद सरकार बन जाती। ऐसा सब जनता दल नेता है, सबने अच्छा चुनाव लड़ा है, हमारी पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा है, आप बताए 70 सीट आई है। BJP ने जो वोटों को पोलराइजेशन किया वही फर्क पड़ा है, और मैं समझता हूँ कि यदि BJP हमारी योजनाओं को बंद करेगी, BJP हमारे कामों को, टेंडरों को निरस्त करेगी, तो लोकसभा चुनाव में BJP को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन दौसा की सीट आपने निकाल ली, जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया, तो क्या लगता है कि BJP असफल रह गई पोलराइजेशन करने में? यहाँ पे ऐसा, यहाँ भी BJP ने पूरा कोशिश करी थी कि वोटों का पोलराइजेशन करें, मेरे कार्यकर्ता मेरे प्रत्येक व्यक्ति मजबूती के साथ में खड़ा रहा और उन्होंने डट के मुकाबला किया BJP का, और इसीलिए हम पोलराइजेशन नहीं कर पाए, इसलिए हम चुनाव जीते। दौसा की बात करें तो 5 विधानसभा से एक ही सीट निकली है दौसा की, चारों का हार गए हैं, तो क्या मुख्य कारण मानते हैं? क्योंकि बार बार में एक ही बात आ रही है कि सचिन पायलट को जिस तरीके से अगर जिम्मेदारी दे दी जाती तो शायद परिणाम कुछ और हो सकते। मैं बताऊं ना, BJP ने जो पोलराइजेशन किया था वोटों का, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उनको हमारे अन्य विधानसभा क्षेत्रों में लोकभाग रोकने में असफल रहे, दौसा में हमने रोका। यहाँ भी हम 50-60 हज़ार वोट से जीते, लेकिन उन्होंने जनता को भ्रमित किया, उन्होंने झूठे वादे किए, अनेक प्रकार की अफवाह फैलाने में BJP और माहिर हैं, और हमारी जनता भोले भाले उनकी बातों में आ जाती है। पार्टी में बदलाव होता तो क्या फिर भी पार्टी हारती? ऐसा ये तो समय बताता क्या होता क्या नहीं होता, इसमें कुछ नहीं कहना सक नहीं कह सकता। मैं कहता हूँ चुनाव हमने मजबूती से लड़ा है। चलो आगे की बात कर लेते हैं, विपक्ष में तो अब बाद में, अब ये भी बात हो रही है कि अब सचिन पायलट को या तो PCC अध्यक्ष बना देना चाहिए या फिर नेता प्रतिपक्ष बना देना चाहिए। ऐसा बड़े बड़े नेता हमारे दिल्ली में बैठे हैं, सबके सब इस पर विचार मंथन चल रहा है। मैं समझता हूँ जो भी फैसला करेंगे अच्छा फैसला करेंगे, और जो फैसला करेंगे सबको मान्य होगा। सर, हारने के बाद मंथन तो होता है, लेकिन जब आउटपुट निकलता नहीं है कांग्रेस में, क्या वजह मानते हैं, क्या डिसीजन पावर नहीं है क्या? देखो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं कह रहा हूँ डिसीजन पावर है, जो भी फैसले होंगे अच्छे फैसले होंगे। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, मैं मेरे काम में ज्यादा विश्वास करता हूँ, बाकी जो जिन नेताओं की जो जिम्मेदारी वो फैसला वही करेंगे। लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, फाइनल है, सेमीफाइनल में तो शायद परिणाम ज्यादा सही नहीं मिला है, लेकिन अब लोकसभा में क्या रहने वाला है? ऐसा BJP ने यदि हमारी जो जनकल्याणकारी योजना है, गरीबों की योजना है, मजदूरों की योजना है, कर्मचारी की योजना है, यदि ये बंद करी, हमारे जो विकास के काम बंद करे, तो BJP को इसमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। बात वही आती है कि जिस तरीके से माने सर गए थे, उस टाइम सचिन पायलट ने भी कहा था कि हम फेस चेंज करने के लिए गए थे, तो BJP भी ये कह रही है, राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा रही है कि अगर कुछ ना कुछ होता, जैसे BJP नया चेहरा लेके आए, पहली बार विधानसभा में गए हैं बदनलाल शर्मा और उनको CM बना दिया गया, फिर DC बना दिया, तो चेंजेस होता तो लगता है। ऐसा जो बात गई उन पर विचार विमर्श करना बेकार की बात है, वो फालतू की बात है, उनसे कोई मतलब नहीं है। अब तो हमको ये सोचना चाहिए हमको आगे क्या करना है ताकि हम अच्छे रिजल्ट ला सकें। क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा भी यहाँ से निकली थी, फिर हाथ से हाथ जोड़ो लेके
से हाथ जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा का भी फल मिला है आपको। भारत जोड़ो यात्रा का भी जनता में जागृति है, इसी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में निकाली थी और उसी का परिणाम है कि 200 विधानसभा क्षेत्र इन परिस्थितियों में भी 31,204 वोट से जीती और इसीलिए हम ये धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं। लगातार जनता के संपर्क में रहने का बड़ा फर्क पड़ता है, जनता ये चाहती है कि हमारा नेता हमारे संपर्क में रहे। ईआरसीपी को लेकर 4.5 साल नहीं पूरे 5 साल बहसबाजी रही है, आरोप प्रत्यारोप लगे रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, अब क्या मानते हैं विपक्ष में आ गए हैं? ऐसा ईआरसीपी के लिए हमारी सरकार ने हमारी आपको पता है 14,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी थी, हम लोग काम चालू कर दिया, हमारी डिमांड थी अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने यह कहा था, उनके जो जनशक्ति मंत्री ने भी यह कहा था कि प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आ जाएगी तो उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगी। अब उनकी सरकार है, उनका मुख्यमंत्री है, पूरी राजस्थान का मुख्यमंत्री है, जिसे ये क्षेत्र ये इफेक्ट हुए ईआरसीपी, निश्चित हमें पूरा विश्वास है ईआरसीपी घोषित होगी। आप कह रहे हैं काम की स्वीकृति दे दी, पैसे की स्वीकृति, तो सब रुक गया, काम भी रुक गया, पैसा भी रुक गया, वही काम अभी ऐसा अभी कुरंट आज मैंने अखबार पढ़ा है कुछ टेंडर का सुन रहे कि वो रोक रहे हैं, मैं समझता हूँ हमारे इतने महत्वपूर्ण काम उनको चालू रखना पड़ेगा, चालू रखना पड़ेगा। तो धन्यवाद बातचीत करने। तो ये थे विधायक मुरारी लाल, जो कहा कि विपक्षी भूमिका पूर्जोर से निभाएंगे और जनता के जो मुद्दे हैं उसे जरूर निभाएंगे। संदीप मीणा, दो सारा स्थान तक।